अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए मुकद्दस मत्ती की अंजील के 25वें और 26वें अबवाब का मुताला आप अपने लिए करें। इन अबवाब में 10 कंवारियों की तमसील, तोड़ों की तमसील, कौमों की अदालत, आखिरी ईद फसा, इशाए रुबानी का तकरर, यसु का गम और उसकी दुआ, यहूदा की गद्दारी, यसु का अदालत में लाया जाना, पत्रस का यसु से मुनकिर होना, इन अहम बातों का जिक्र हमें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील के 25वें और 26वें अबवाब में मिलता है। लेकिन इस वक्त में अपनी रहनुमाई और हदायत के लिए हम मुकद्दस मत्ती की अंजील के 26वें बाब की 29वीं आयत पर गौर करेंगे। पाकलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 39वीं आयत खुदा उनके कलाम में लिखा है, फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, आमीन। अपने जिस्म में अपनी दुनियावी जिंदगी की आखिरी रात यसु सोया नहीं, बल्कि वो जरा आगे बढ़ा, यानी अपने शागिर्दों से अलग होकर तन्हाई में खुदा से दुआ करने लगा। पहले वो घुटनों के बल दुआ करता रहा, फिर बेसाख्ता सजदे में गिर गया। इस वक्त उसने नहायत दिलसोजी से दुआ की, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम ये तो नहीं जानते कि खुदावन यसु कितनी देर इस दुआ में महव रहा, अलबत्ता ये जरूर कह सकते हैं कि इसकी दुआ महज रस्मी ना थी, क्योंकि इस कलाम पाक के मुताबिक इस मौके पर इसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदों की मानद जमीन पर टपकता था। दुआ करने के बाद यसु वापस अपने शागिर्दों के पास गया। खुदावंद यसु मसीह पत्रस रसूल से शायद इसलिए खास तौर पर मुखातिब हुआ क्योंकि उसने कुछ ही देर पहले यसु से अपनी बड़ी वफादारी का फखरिया अंदाज में इजहार किया था। यसु ने पत्रस को जागते रहने और दुआ करने की तलकीन की थी। यसु जानता था कि पत्रस की रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर था। आज हमें खुदा की खिदमत करने का या हमारी दुआ के कबूल होने का जो मौका मिला है वो शायद कल फिर ना मिले, और जिस तरह पत्रस ने खुदावंद के हुक्म को नजरअंदाज किया और फिर वक्त आया कि खुदावंद ने उससे कहा अब सोते रहो और आराम करो। अक्सर खुदा के लोग किसी खास मामला की बाबत उस वक्त तक दुआ नहीं करते जब तक वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत इख्तियार ना कर जाए। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और 41वीं आयत में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है, आमीन। इस मुताला में जो खास सबक हमारे सीखने के लिए खुदावन के कलाम के मुताबिक हमें मिलता है वो ये कि खुदा की मर्जी पूरी करने और उसके कलाम पर अमल करने से ही हमें पूरी फतह और सच्ची खुशी हासिल होती है। खुदावन हमें ये तौफीक बख्शे कि हम अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करें और उसके कलाम पर अमल करें, आमीन।